भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यहाँ के वेद, पुराण तथा उपनिषद ज्ञान के अभूतपूर्व भंडार हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन, साहित्य, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है गंगा के सुरम्य तट पर स्थित भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी। विश्व की इसी प्राचीनतम नगरी में ज्ञान की अविरल धारा के प्रवाह का एक प्रमुख केंद्र है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों का मूर्त रूप है। भारतीय दर्शन और ज्ञान से ओतप्रोत पंडित मदन मोहन मालवीय जी में परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा समन्वय था। एक आधुनिक दूरदृष्टा की भांति मालवीय जी का मानना था कि राष्ट्रवादी शिक्षा के आधार पर ही एक देश को प्रगति के पथ पर आरूढ़ किया जा सकता है। महामना का प्राचीन भारतीय मनीषा में अत्यधिक विश्वास था, जिसमें समेकित मानव एवं समेकित समाज की परिकल्पना की गई थी। इस जीवन दृष्टि में ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। इसी प्राचीन मनीषा के अनुरूप मालवीय जी देश में शिक्षा का एक ऐसा केंद्र चाहते थे जो समग्र एवं सर्वतोमुखी शिक्षा प्रदान करे, जिससे जीवन में परिश्रम, कर्तव्य परायणता, बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का संगम हो सके। अपने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मालवीय जी ने सन 1904 में वाराणसी में काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की योजना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1905 में प्रस्तावित हिंदू विश्वविद्यालय के भावी स्वरूप का लिखित दस्तावेज तैयार किया गया। मालवीय जी के सम्मुख अब सबसे बड़ी चुनौती इस दिव्य स्वप्न को साकार करने हेतु आवश्यक पूंजी जुटाना था। इस हेतु 1 करोड़ रुपए जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया और मालवीय जी ने इस हेतु दान इकट्ठा करने की एक रूपरेखा तैयार की। गायत्री मंत्र एवं गजेंद्र मोक्ष का अनगिनत बार जाप कर महामना ने अपने पिता से आशीर्वाद सहित पहला दान ग्रहण किया और फिर भिक्षुक बन निकल पड़े संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा पर विश्वविद्यालय के लिए दान एकत्रित करने हेतु। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारने मोह न आवे लाज। इस दोहे की अनुपालना के साथ रियासतों के राजाओं और धनाढ्य सेठों से मालवीय जी ने विश्वविद्यालय हेतु चंदा एकत्रित किया, लेकिन इसके साथ ही अनेक गरीब और साधारण पुरुष स्त्रियों, मजदूरों और किसानों ने भी महामना को खुलकर दान प्रदान किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार और यकीन में बदलने लगा जब एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को मालवीय जी को सौंप दिया। यही कॉलेज भावी विश्वविद्यालय का आधार बना। 1911 में ही महामना को दरभंगा नरेश रामेश्वर सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ। अंततः 22 मार्च 1915 को सर हरकोट बटलर ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बिल प्रस्तुत किया। बिल पर चर्चा के दौरान बटलर ने कहा कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की तरह यह आवासीय और शिक्षण विश्वविद्यालय होगा और इस तरह लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बने अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न होगा। प्रस्तुत बिल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों की व्याख्या की गई। फिर आया वह स्वर्णिम दिवस जिसका सभी को इंतजार था। 4 फरवरी 1916 को जब भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया।
इस तरह 1904 से 1916 तक की सुदीर्घ यात्रा के उपरांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वप्न पूर्ण हो सका। इसके बाद शुरू हुई विकास की निर्बाध यात्रा, जिसमें 1360 एकड़ के इस विशाल भूभाग पर बने विश्वविद्यालय में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का गठन होने लगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 5 संस्थान, 1 IIT, 16 संकाय, 134 विभाग, 1 कॉलेज, 2 अंतरविषयक स्कूल तथा अनेक केंद्र संचालित हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध है वाराणसी में संचालित 4 महाविद्यालय तथा 3 विद्यालय। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 3 संकाय कार्यरत हैं। आधुनिक चिकित्सा संकाय, यह चिकित्सा विज्ञान की सभी शाखाओं के अध्ययन की स्थली है। यहां 36 विभाग शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। आयुर्वेद संकाय में 15 विभाग हैं, जो चिकित्सा की इस प्राचीन भारतीय विधा में शिक्षण के अतिरिक्त नवीन अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराता है। इंस्टीट्यूट का तीसरा संकाय है दंत विज्ञान संकाय। दंत संकाय का आधुनिक स्वरूप इसे राष्ट्र में दंत विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। मेडिकल कॉलेज के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है। अस्पताल में 1200 बिस्तर की उपलब्धता है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 2000 से 2500 मरीज अस्पताल के बहिरंग में अपने इलाज हेतु रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अस्पताल में रोग निदान एवं रोग उपचार की नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यालय की जन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के पश्चात और अधिक हो गया है। परिसर में नर्सिंग महाविद्यालय भी संचालित होता है। कृषि विज्ञान संस्थान की शुरुआत 1931 में कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में कृषि पर रॉयल कमीशन के सुझावों के अनुरूप हुई, जिसके सदस्य स्वयं महामना भी थे। 1968 में यह एक स्वतंत्र संकाय तथा 1981 में स्वतंत्र संस्थान के रूप में कार्य करने लगा। संस्थान में वर्तमान में कुल 12 विभाग कार्यरत हैं। कृषि संस्थान में विभागों के साथ साथ कुछ अन्य इकाइयां भी जुड़ी हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण तथा धारणीय विकास पर पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान का गठन किया गया है। हाल ही में विश्वविद्यालय में 2 संकाय, विज्ञान संकाय तथा प्रबंध संकाय को प्रोन्नत कर संस्थान का स्वरूप दिया गया है। वर्तमान में विज्ञान संस्थान में 12 विभाग, 4 केंद्र तथा 2 अंतरविषयक केंद्र संचालित हैं। संस्थान अध्ययन के विभिन्न केंद्र स्थापित कर विज्ञान अध्ययन के क्षितिज को विस्तृत कर रहा है और उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। प्रबंध संस्थान निरंतर प्रगति के नए आयाम छू रहा है। भारत के महत्वपूर्ण प्रबंध संस्थानों में यह संस्थान शामिल हो गया है। यहां से निकले छात्र उद्योग तथा वाणिज्य जगत में अपना परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। मालवीय जी का तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा पर अत्यधिक बल था। वे इसे उन्नत भारत के निर्माण के लिए आवश्यक मानते थे। इस हेतु मालवीय जी ने बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज, बैंको, कॉलेज ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी तथा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। 1968 में तीनों कॉलेजों को मिलाकर प्रौद्योगिकी संस्थान का गठन किया गया। 2012 में संस्थान को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्वरूप दे दिया गया। अब यह एक स्वायत्त निकाय है, किंतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। विभिन्न संकायों में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं और प्रशाखाओं का अध्ययन किया जाता है। कला संकाय को मातृ संकाय का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इसका प्रारंभ सेंट्रल हिंदू कॉलेज से हुआ।
और इसी संकाय से अलग होकर अनेक नए संकायों का गठन किया गया। संकाय में 21 विभाग हैं तथा 5 अंतर विषयक केंद्र कार्यरत हैं, जो ज्ञान की नवीन धाराओं के अध्ययन में निरंतर संलग्न हैं। कला संकाय से अलग होकर 1971 में सामाजिक विज्ञान संकाय का गठन किया गया। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे परंपरागत 5 विभागों के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान संकाय में 5 महत्वपूर्ण अंतर विषयक केंद्र संचालित हैं। अर्थशास्त्र विभाग के अनुषंगी विभाग के रूप में 1940 में वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। 1965 में विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती पर वाणिज्य विभाग को पूर्ण संकाय का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन पर मालवीय जी की अटूट श्रद्धा थी। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय शास्त्रों, संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही 1918 में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय की स्थापना की गई। मानव जीवन के कलापक्ष से भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय अनभिज्ञ नहीं है और इस क्षेत्र में अध्ययन हेतु दृश्य कला संकाय तथा संगीत एवं मंच कला संकाय कार्यरत हैं। 5 विभागों के साथ दृश्य कला संकाय कला के विविध पक्षों के अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराता है। नृत्य, गायन, वादन और संगीत शास्त्र को अपने में समेटे हुए है नृत्य एवं मंच कला संकाय। यहां का संगीतमय वातावरण कला के प्रति मानवीय अनुराग को पुष्पित एवं पल्लवित करता है। विधि संकाय ने 1921-22 के शैक्षणिक सत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से विधि संकाय का आधुनिक भवन तैयार हुआ। संकाय द्वारा समाज के निचले तबके के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त विधिक सहायता भी प्रदान की जाती है। शिक्षा संकाय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में 1918 से कार्यरत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से अलग कामाख्या में संचालित शिक्षा संकाय बदलते समय के अनुरूप आधुनिक शिक्षा प्रविधियों से भावी अध्यापकों को अवगत करा रहा है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय अपने 15 विभागों एवं 2 इकाइयों के साथ ग्रामीण कल्याण तथा सामाजिक अभियांत्रिकी द्वारा पशु उत्पादन में वृद्धि के क्षेत्र में संलग्न है। देश विकास में महिलाओं की भागीदारी को मालवीय जी आवश्यक मानते थे और इस हेतु महिलाओं को श्रेष्ठ उच्च शिक्षा प्रदान करने के वे हिमायती थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1929 में विश्वविद्यालय परिसर में महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई। महिला महाविद्यालय में छात्राओं को मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, कला, दृश्य कला आदि अनेक विषयों पर शिक्षा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय का विस्तार काशी की सीमाओं से निकलकर मिर्जापुर में भी हो गया, जब वहां राजीव गांधी दक्षिण परिसर की स्थापना की गई। बरकच्छा में 1104 हेक्टेयर के विशाल भूभाग पर फैला काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में शिक्षा के महत्वपूर्ण हब के रूप में स्थापित हो रहा है। विश्वविद्यालय में ज्ञान का केंद्र बिंदु यहां का सयाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय है। यह देश के किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी लाइब्रेरी व्यवस्था है। पुस्तकालय में 15 लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, हजारों ई जर्नल पुस्तकें और डेटाबेस की उपलब्धता है। यहां अनेक दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह है। इनका नई तकनीक के प्रयोग से संरक्षण किया जा रहा है और अनेक पांडुलिपियों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। आधुनिक समय की मांग के अनुरूप
साइबर लाइब्रेरी भी संचालित की जाती है, जिसमें 400 छात्रों के अध्ययन की सुविधा है। परिसर में पद्म विभूषण राय कृष्णदास द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भारत कला भवन है। भारत कला भवन में 1,00,000 से अधिक प्राचीन एवं दुर्लभ कलाकृतियां, पेंटिंग्स, मूर्तियां, पांडुलिपियां, सिक्के आदि संरक्षित हैं। 100 वर्षों की अपनी ऐतिहासिक यात्रा में नए कीर्तिमानों की स्थापना के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नजर भविष्य पर टिकी है। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान विज्ञान और अध्ययन के अनेक नए केंद्रों की स्थापना की जा रही है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट तथा स्टेम सेल रिसर्च सेंटर का कार्य बोन मेरो तथा अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में आधुनिक अनुसंधान प्रशिक्षण तथा शिक्षण को बढ़ावा देना है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार रही है जीवनदायी और मोक्ष प्रदायिनी गंगा। गंगा के पुनरुद्धार तथा नदी विज्ञान के अध्ययन हेतु गंगा नदी और जल संसाधन प्रबंधन पर मालवीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न खतरों के अध्ययन तथा पर्यावरण सम्मत तकनीक को बढ़ावा देने हेतु मालवीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्लाइमेट चेंज की स्थापना हुई है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृति और साहित्य के अध्ययन हेतु भारत अध्ययन केंद्र का गठन किया गया है। प्राचीन भारतीय मनीषा का आधुनिक ज्ञान से समन्वय एवं एकीकरण करना केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। इनके अतिरिक्त 300 बिस्तर की सुविधाओं से युक्त मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल, गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा प्लांट तथा विदेशी छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 500 छात्रों की क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल की परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। परिसर के भीतर शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए आवास है, साथ ही 84 छात्रावास है जिनमें 15,000 से अधिक छात्र निवास करते हैं। छात्रावासों में सुरक्षा, इंटरनेट तथा मॉड्यूलर किचन के रूप में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के विकास हेतु छात्रावासों के सामने खेल के विशाल मैदान हैं। यहां खेल की अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। शारीरिक सौष्ठव के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिम है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए छात्र स्वास्थ्य संकुल है। छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ यह केंद्र निशुल्क दवा का वितरण भी करता है। परिसर में योग साधना केंद्र भी कार्यरत है। यह मन को नियंत्रित करने का आत्मबल प्रदान करता है। परिसर में स्थित भगवान विश्वनाथ का मंदिर परिसर में आध्यात्मिकता के वातावरण को पल्लवित करता है। आधुनिक समय में विद्यार्थियों को महज उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। भावी जीवन की चुनौतियों का सामना करने हेतु विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन तथा कैरियर परामर्श प्रदान करना भी अनिवार्य है। इस हेतु विश्वविद्यालय में अनेक केंद्र कार्यरत हैं। व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श प्रकोष्ठ विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर निर्माण हेतु आवश्यक निर्देशन प्रदान करता है। साथ ही विद्यार्थियों में शैक्षणिक योजनाओं के निर्माण और शैक्षणिक समन्वय स्थापित करने हेतु आवश्यक परामर्श प्रदान करता है। केंद्र में विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं जैसे व्यक्तिगत तथा सामाजिक तनाव, दुश्चिंता, अवसाद आदि के निदान हेतु
उचित परामर्श भी प्रदान किया जाता है। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कैरियर विकास केंद्र छात्रों में शिक्षा के अतिरिक्त बेहतर रोजगार हेतु आवश्यक व्यवहारिक एवं व्यावसायिक ज्ञान को विकसित करने में कार्यरत है। यहाँ स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, साक्षात्कार योग्यता एवं कंप्यूटर नॉलेज आदि पर संक्षिप्त पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। मानव जीवन प्रबंधन पर सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्री भगवद गीता के अध्ययन से छात्रों में ध्यान, योग और आध्यात्मिकता के गुणों का विकास करने हेतु यह केंद्र गीता आधारित जीवन प्रबंधन प्रशिक्षण का कार्य भी करता है। प्लेसमेंट सेल विभिन्न कंपनियों, संस्थानों और उद्योग प्रतिष्ठानों द्वारा छात्रों के कैंपस चयन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराता है। विद्यार्थियों में श्रेष्ठ नागरिक के गुणों के विकास हेतु भी अनेक केंद्र कार्यरत हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा देश सेवा एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति जागृति पैदा की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्रों में अनुशासन तथा देशभक्ति के जज्बे को पोषित करता है। गीता प्रवचन द्वारा विद्यार्थियों को कर्म की प्रधानता का बोध कराया जाता है। छात्रों में सदाचार और श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र कार्यरत है। छात्रों की किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु छात्र अधिष्ठाता कार्यालय सदैव तत्पर रहता है। यह कार्यालय छात्रों के सांस्कृतिक उन्नयन हेतु सांस्कृतिक उत्सव, मेले तथा अनेक कार्यक्रमों का संचालन करता है, जो परिसर को जीवंत बनाए रखते हैं। साथ ही छात्र कल्याण हेतु अनेक योजनाओं का भी संचालन किया जाता है, जिसमें गरीब तथा दिव्यांग छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। देश के जनसांख्यिकीय संरचना तथा आर्थिक विकास की भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित एवं कुशल कार्मिकों के विकास हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर बरकच्छा में की गई है। इस केंद्र के तहत फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, फूड रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट तथा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जैसे वोकेशनल तथा रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इस तरह परंपरा और आधुनिकता, प्राचीन और समकालीन, संस्कृति और विज्ञान, आध्यात्मिक और भौतिक सभी विषयों के सुंदर समन्वय की अनूठी स्थली है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी यही विशिष्टता इसे देश के अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न बनाती है। इस विशिष्टता को अभिव्यक्त करता है यहाँ का कुलगीत, जो यहाँ के हर विद्यार्थी, कर्मचारी और अध्यापक में गर्व की अनुभूति भर देता है। ये सर्व विद्या की राजधानी ये तीन लोकों से नारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 100 वर्ष की सुदीर्घ यात्रा में इससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक और छात्रों का अमूल्य योगदान इस विश्वविद्यालय को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक रहा है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय संस्कृति, ज्ञान, कौशल और दर्शन के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान और तकनीक की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसीलिए इसे सर्व विद्या की राजधानी कहा गया। ये देश का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, जहां एक ही परिसर के भीतर कर्मचारी, शिक्षकों का निवास, छात्रावास और विभिन्न संकाय तथा विभिन्न विभाग स्थित हैं। विश्वविद्यालय के परिसर का आर्किटेक्चर और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। ज्ञान विज्ञान का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अध्ययन का अवसर इस विश्वविद्यालय में उपलब्ध ना हो। शिक्षा के साथ साथ इस विश्वविद्यालय में संस्कार और चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता है। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, इस महान विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अनेक छात्र छात्राओं इच्छुक रहते हैं। इस वर्ष लगभग 3,50,000 विद्यार्थियों ने स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु आवेदन किया था, जिनमें से अंततः लगभग 8,000 विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिल पाएगा। स्नातकोत्तर विषयों में लगभग 1,25,000 विद्यार्थी आवेदक हैं और लगभग 6,000 छात्र छात्राएं प्रवेश पा सकेंगे। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि विद्या के इस मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर आपको मिल रहा। भावी नवागंतुक विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई एवं साथ ही नव शैक्षणिक सत्र पर विश्वविद्यालय परिवार के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ से निकले पूरा छात्र देश और विदेश में ज्ञान और विज्ञान की प्रत्येक शाखा में, कर्म और व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में एक अनूठी पहचान बनाए हुए हैं। मालवीय जी आज हमारे साथ नहीं है, किंतु इस विश्वविद्यालय के कण कण में वे विद्यमान हैं। शिक्षा के इस मंदिर को देश और विदेश में विशिष्ट स्थान दिलाने का उनका दिव्य स्वप्न हमारे साथ है। विश्वविद्यालय की पताका को शिखर पर लहराते रहने की उनकी अभिलाषा हमारे साथ है। उत्थत्वयम् जागृत्वयम् योक्त्वयम् भूतिकर्मसु भविष्यति त्येव मनः कृत्वा सतत मव्यथे। उठो, जागो और अनवरत रूप से तथा निर्भीकता पूर्वक उत्थान के कार्य में स्वयं को संलग्न कर लो, इस विश्वास के साथ कि सफलता आपके प्रयासों का वरण अवश्य करेगी।